आधा किलो करेले, करेलू का ना ऊपर का छिलका उतार लेना है। छिलका मैंने उतार लिया है सब करेले का। हम इसे अच्छी तरह वाश कर लेंगे। करेलों को मैंने अच्छी तरह धो लिया है। अब इसे ना दो पीसों में काट लेंगे। जो बीज है ना वो निकाल लेने हैं। जो कच्चे वाले बीज होंगे वो नहीं निकालने, ये वाले निकाल लेने हैं। ये वाले बीज ना इस तरह के, वो नहीं निकालने। करेले के इतने इतने पीस कर लेने हैं। करेलों को आप अपनी मर्जी से काट सकते हैं, मैंने इस तरह काट लिया। सब करेले को इसी तरह काट लेना है। सब करेले को इसी तरह काट लेंगे। इस तरह के करेले के बीज हों, ये वाले नहीं निकालने। आप ये वाले भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ये पके हुए बीज है ना, ये कड़वे रहते हैं। ये भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, कोई खाता है कोई नहीं खाता। ये बीज साथ में ही काट लेंगे। पके हुए बीज का ना टेस्ट अच्छा नहीं रहता। आधा कप ऑयल डालेंगे, ऑयल अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। बारीक कटे हुए करेले डाल लेंगे। करेलों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। करेलों को ऐसे ही चम्मच चलाते हुए हल्का सा ब्राउन कर लेना है। इसे मीडियम आंच पर ब्राउन करना है, फुल आंच पे नहीं ब्राउन करना। माशाल्लाह करेले हमारे ब्राउन होने शुरू हो गए हैं, आप देख सकते हैं करेले हमारे ब्राउन हो चुके हैं। इतने ही ब्राउन करने हैं, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने। एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल लेंगे। प्याज डाल के प्याज को भी हल्का सा ब्राउन कर लेना साथ में। प्याज हमारे हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। एक बारीक कटा हुआ टमाटर डाल लेंगे। चार सब्ज मिर्च डाल लेंगे। सब्ज मिर्च के मैंने दो दो पीस कर लिए ने। सब्ज़ मिर्च और टमाटर डाल के दो मिनट तक पका लेंगे। टमाटर डाल के मैंने इसे पका लिया। एक छोटी चमची नमक डाल लेंगे। नमक अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। एक चमची पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चमची हल्दी पाउडर, एक चमची साबुत धनिया। सब मसाले डाल के एक मिनट तक पका लेना। सब मसालों को मैंने एक मिनट तक पका लिया है। अब इसमें बॉयल की हुई दाल डाल लेंगे। दाल डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं, अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। अब दो मिनट तक ऐसे ही पका लेंगे चम्मच चलाते हुए।
दाल और करेलों को मैंने 2 मिनट तक पका लिया है। दाल पहले हमारे उबली हुई थी ना, माशाल्लाह आप देख सकते हैं दाल और करेले का सालन कितना ही अच्छा बना है। आप ज़रूर इस तरीके से लाजमी एक बार बना के देखें। आप इसे प्लेट में डाल लेंगे, माशाल्लाह आप देख सकते हैं करेले और दाल का सालन कितना ही अच्छा बना है। आप ज़रूर इस तरीके से लाजमी बनाएं। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।